वेलकम बैक टू माय चैनल देसी ट्रैवल मॉन्स्टर। तो नाल है मेरे परमप्रीत। तो आज हम जा रहे हैं माउंट होतम। दो जगह है, एक माउंट बुलर है और एक माउंट होतम है, जहाँ पे स्नो पड़ती है हर सीजनल में, जब भी यहाँ पे विंटर होता है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपने ये नहीं बताया कि गोबिंद स्वीट्स का शेफ हूँ मैं। ये मैं बताना भूल गया, ये हेड शेफ फ्रॉम गोबिंद स्वीट। तो हम जा रहे हैं आज माउंट होतम। मेलबर्न से करीब करीब 4 घंटे का रास्ता है, और डिपेंड ऑन सुबर्ब, कौन से सुबर्ब में आप रहते हैं। तो चलिए, अभी हम ऑलरेडी हाफ वे आ चुके हैं, सुबह 5 बजे के चले हुए हैं और अभी 7 बजने को है, और ठंड बहुत है। देखो धुआं शायद दिखाई दे रहा हो कि नहीं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं जर्नी माउंट होतम की, क्योंकि माउंट बोलो तो बहुत सारे लोग जाते हैं और मैं ऑलरेडी एक बार जा चुका हूँ, तो इस बार थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि माउंट बुलर काफ़ी क्राउड रहता है और माउंट होतम थोड़ा क्वाइट प्लेस है और उससे ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं यहाँ पे आसमान की और बर्फ़ की वादियाँ। तो अब हम काफ़ी क्लोज पहुँच गए हैं, और ऊपर जाने के लिए वो जो टायर में चैन लगानी होती है वो हायर करनी पड़ती है, वो वापस मोड़ देते हैं अगर आपके पास वो नहीं है। तो ये पहले एक प्लेस आता है, इसका नाम है ह्योट्स चैन सेंटर, और यहाँ पे सब कॉलोथ्स वगैरह और सब मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके। तो इसका डांस निकल जाता है हर जगह पे, देखो चल। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमें पता भी नहीं है आधे से ज़्यादा। तो हम पहुंच गए हैं, तो टेम्परेचर -2 डिग्री है और हवा भी बहुत चल रही है। तो अभी हम दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं ये एक पार्किंग लॉट है, और यहाँ पे आगे स्केटिंग भी होती है और झूले वगैरह भी हैं। मैं गाड़ी में बैठ के इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत हवा चल रही है, ज़्यादा। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, वो झूले होते हैं वहाँ पे, और ये हमने हायर किया हुआ है, ये हम अभी ऊपर से ऐसे चलाएंगे, नीचे आएगा वो ऐसे खाते हैं। लेकिन मौसम काफ़ी ख़राब है और अभी पड़ने वाली है शायद थोड़ी सी, वो काफ़ी रास्ता ख़राब है। और ये देखो इधर चला नहीं जा रहा, कितने कितने फुट पड़ी है, अंदर जा रहा है वो पाँव, देखो पूरा अंदर जा रहा है। और अभी मैं वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ भी उसका क्या प्राइस है, क्या सीन है।
यंत्र, ये अलाउड नहीं है काफ़ी जगह पे, ये वाला यंत्र। और स्केटिंग हम में से किसी को आती नहीं है और रिस्क कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो लत बात उठ गई तो फिर औखा हो जाएगा। स्केटिंग स्केटिंग नहीं, ऐसे ही है, स्नोबोर्ड है। ये आ गया, ये ड्राइवर मारा है। तो आसमान की वादियों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, देखो। पूरा ब्यूटीफुल काम है ये, पूरी ट्रैकिंग है इधर से ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ आ जा आगे, एटलीस्ट 2 फुट तो है बर्फ। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मेक श्योर करें भी आप ये रेंटल पेंट होती है वाटरप्रूफ और जूते पक्का लेके आएं, क्योंकि विदाउट इनके यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और जैकेट भी मिलती है, लेकिन अगर आपके पास अपनी अच्छी जैकेट है वॉर्म तो वो भी चल जाती है, वाटरप्रूफ होनी चाहिए। तो थकाने वाला पूरा काम है यहाँ पे, ये देखो 2-2 फुट बर्फ अंदर गई। ज़्यादा ख़राब था, लास्ट में मैंने थोड़ा सा ड्रोन शॉट भी उड़ाया, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी जिस वजह से हो नहीं सका, और क्योंकि वो वेदर की वजह से। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, मिलते हैं आपको जल्दी ही नई वीडियो में, नई जगह नई वीडियो।